नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। अब आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in फॉर मोर अपडेट्स ऑन इनकम टैक्स जीएसटी एंड कंपनीज एक्ट। इनकम टैक्स जीएसटी और कंपनीज एक्ट के रिगार्डिंग आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट चाहिए उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को एक बार जरूर विजिट करें, अपना फीडबैक जरूर दें। इसके साथ ही अगर आप इनकम टैक्स के रिगार्डिंग कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट इनकम टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप जीएसटी के रिगार्डिंग डिटेल कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट जीएसटी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप एक्सेल सीखना चाहते हैं तो ऐसे में आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट एक्सेल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जीएसटी के रिगार्डिंग यहाँ पर एक लेटेस्ट अपडेट जो कि जीएसटी काउंसिल की 39th मीटिंग में लिया गया है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैसला, जीएसटी न्यू रिटर्न्स को डेफर किया गया 6 महीने के लिए। और जीएसटी न्यू रिटर्न्स को डेफर करने के बाद यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो टैक्स की चोरी हो रही है, टैक्स इवेजन हो रहा है, उसको किस तरह रोका जा सकता है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर यह अपडेट किया गया है कि अब GSTR-1 और GSTR-3B को आपस में लिंक किया जाएगा, साथ ही GSTR-2A और GSTR-3B को लिंक किया जाएगा। इन दोनों से यह होगा कि GSTR-1 में जो भी आउटवर्ड सप्लाई एंटर की जाएगी, रिटर्न के जरिए अपलोड की जाएगी, वो अपने आप ही GSTR-3B में अब आपको दिखाई देगी। और इसी तरह GSTR-2A में जो आपकी परचेज है, जो आपकी इनवर्ड सप्लाई है, वो अब आपको GSTR-3B में जहां पर आप इनपुट जो है ITC जो है वो एंटर करते हैं वहां पर वो भी आपका ऑटोफिल रहेगा। इसके रिगार्डिंग कहा गया कि जीएसटी न्यू रिटर्न्स को अगर 6 महीने के लिए डेफर किया जा रहा है तो यहाँ पर 6 महीने तक के लिए हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। हम GSTR-1, GSTR-3B और GSTR-2A को लिंक कर सकते हैं, और अगर हम इसको लिंक कर देते हैं तो यहाँ पर टैक्स पेयर्स को भी एक यहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाएगा जिससे वो पहले ही फ्रेंडली हो पाएंगे और उनको जीएसटी न्यू रिटर्न्स में भी दिक्कत नहीं आएगी। इन 39th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल हेल्ड ऑन 14th मार्च 2020, श्री नंदन नीलेकणी ऑन बिहाफ ऑफ इन्फोसिस मेड ए प्रेजेंटेशन एड्रेसिंग द सिस्टम रिलेटेड इश्यूज दैट आर बीइंग फेस्ड बाय द टैक्स पेयर्स इन द जीएसटी सिस्टम। तो यहाँ पर श्री नंदन नीलेकणी जो है इन्फोसिस की तरफ से उन्होंने प्रेजेंटेशन दी है और उन्होंने बताया है कि टैक्स पेयर्स को क्या क्या इशू यहाँ पर आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है जीएसटी सिस्टम के अंदर। उन्होंने यहाँ पर सजेस्ट किया है, ही सजेस्टेड दैट इन ऑर्डर टू स्मूदन द रूल आउट ऑफ द न्यू रिटर्न सिस्टम एंड टू इंश्योर ए बेटर अपटेक ऑफ द न्यू रिटर्न्स, द ट्रांजिशन टू द न्यू रिटर्न सिस्टम मे बी मेड इन एन इंक्रीमेंटल मैनर। तो यहाँ पर न्यू रिटर्न्स को इंक्रीमेंटल मैनर में लाने की बात की जा रही है। दैट मीन्स हो सकता है यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर न्यू रिटर्न्स को इम्प्लीमेंट किया जाए। और उन्होंने साथ ही सजेस्ट किया, ही सजेस्टेड दैट द प्रोसेस मे बी इनिशिएटेड बाय एड्रेसिंग द कंप्लायंस रिलेटेड इश्यूज फर्स्ट सो दैट द प्रॉब्लम ऑफ टैक्स इवेजन एंड गेमिंग ऑफ द सिस्टम ड्यू टू नॉन लिंकिंग ऑफ फॉर्म GSTR-1 एंड फॉर्म GSTR-3B इज एड्रेस्ड इमीडिएटली। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि फॉर्म GSTR-1 और फॉर्म GSTR-3B के लिंक ना होने की वजह से यहाँ पर जो है टैक्स इवेजन हो रहा है, टैक्स की चोरी हो रही है। द जर्नी कुड स्टार्ट विद लिंकिंग ऑफ द डिटेल्स ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन फॉर्म GSTR-1 टू द लाइबिलिटी इन फॉर्म GSTR-3B। तो जैसे ही GSTR-1 में आउटवर्ड लाइबिलिटी डिक्लेयर की जाएगी, वो आपकी GSTR-3B में लाइबिलिटी शो हो जाएगी। उसके बाद दिस वुड बी फॉलोड बाय द लिंकिंग ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन फॉर्म GSTR-3B टू द डिटेल्स ऑफ सप्लाईज रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म GSTR-2A। इसके साथ ही ITC जो है वो आपका फॉर्म GSTR-2A से फॉर्म GSTR-3B में आपको दिखाई देगा। इन ऑर्डर टू टैकल इवेजन एंड प्रिवेंटिंग द गेमिंग ऑफ द सिस्टम, इंप्लीमेंटेशन ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन एंड स्पाइक रूल्स
वुड ऑल्सो बी इनिशिएटेड। तो अभी तक आप जो भी ईवीसी कर रहे थे उसमें आप कोई भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर देते थे, लेकिन अब इसको आधार ऑथेंटिकेशन की तरफ ले जाया जाएगा। दैट मीन्स जो आपका मोबाइल नंबर आधार में रजिस्टर्ड होगा उसी के जरिए अब आप आगे काम कर पाएंगे। He informed the council that no augment the capacity of the IT system to concurrently handle 3 lakh taxpayers from the present level of 1.5 lakh taxpayers. तो यहाँ पर capacity increase करने की बात की जा रही है, 1.5 lakh taxpayers से 3 lakh taxpayers तक की यहाँ पर जो है वो बात की जा रही है कि IT system को develop किया जाएगा, improve किया जाएगा ताकि 3 lakh taxpayers अपने सिस्टम पर काम कर सके, और इसके लिए जो भी हार्डवेयर है वो प्रोक्योर किया जाएगा, खरीदा जाएगा, जो कि अभी फिलहाल कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा सा इफेक्टेड है, इम्पेक्टेड है, और थोड़ा सा धीरे काम यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद जीएसटी काउंसिल ने यहाँ पर जो सजेशंस दिए हैं उन्होंने कहा है कि श्री नंदन नीलेकनी जो है वो 3 जीएसटी काउंसिल की जो नेक्स्ट मीटिंग है उनको अटेंड करेंगे, और साथ ही वो स्टेटस यहाँ पर बताएंगे कि जो टेक्नोलॉजी को लेकर जो इश्यूज आ रहे हैं उनको ठीक करने में क्या क्या काम किए जा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो मैन पावर है, मैन पावर बढ़ाने की बात की गई है, हार्डवेयर्स है, हार्डवेयर को बढ़ाने की बात की गई है, उसके रिगार्डिंग जो भी अप्रूवल्स है वो यहाँ पर दे दी जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर 6 महीने के अंदर कहा जा रहा है कि सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा, और स्पेशली जो टैक्सपेयर्स को जो प्रॉब्लम आ रही है उनको खासकर दूर किया जाएगा। द रिटर्न फाइलिंग एक्सपीरियंस ऑफ द टैक्सपेयर्स एंड रिमूवल ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस नीड टू बी कैरिड आउट अर्जेंटली। तो साथ ही 6 महीने का यहाँ पर टाइम मांगा गया है, 6 महीने के बाद आपकी न्यू रिटर्न्स आने की बात होंगी, और तब तक आपकी GSTR-3B, GSTR-1, GSTR-2A को लिंक किया जाएगा, जिससे कि आपको न्यू GST रिटर्न्स में अलग फील ना हो और जो टैक्स इवेजन है उसको रोका जा सके। तो ये सभी अपडेट्स आप ऑल अबाउट टैक्सेस पर प्राप्त कर सकते हैं। आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी फीडबैक है तो कमेंट में ज़रूर टाइप करें। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए।